हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है करण और मेरे यूट्यूब के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेंड्स आप कैसे बिना प्ले स्टोर के अपने स्नैपचैट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड्स, आप कैसे बिना प्ले स्टोर के स्नैपचैट को डाउनलोड कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में अपने गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आ जाने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे सर्च करना है स्नैपचैट APK डाउनलोड। आपको स्पेलिंग अच्छी तरह लिखनी है, देख सकते हैं लिखा हुआ है स्नैपचैट APK डाउनलोड, आपको इसको लिख लेना है। इसको लिखने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बहुत सारी साइट देखने को मिल जाएंगी। आपको किसी भी साइट पर क्लिक नहीं करना है, आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे तीसरी वाली साइट देखने को मिल रही है, लिखा हुआ है स्नैपचैट ऑफ एंड्रॉयड APK डाउनलोड, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं स्नैपचैट का आइकन आपको यहाँ पे शो कर रहा है और नीचे लिखा है डाउनलोड APK, आप इस पर क्लिक कर देंगे। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, आपको थोड़ी प्रोसेसिंग चलेगी, आप इसको कंप्लीट होने दें। कंप्लीट होने के बाद नीचे लिखा हुआ है डाउनलोड स्नैपचैट और देख सकते हैं कितनी MB का है, 75.5 MB का आपका स्नैपचैट ऐप है, आपको उस पर क्लिक कर देना है। और फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोडिंग के लिए बोल रहा है, आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना, अलाउ कर देना है। और देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोडिंग चलने लगी है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको डाउनलोड दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोडिंग चल रही है। फ्रेंड्स देख सकते हैं स्नैपचैट यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। फ्रेंड्स, आप ऐसे ही बिना प्ले स्टोर की मदद से अपने स्नैपचैट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको स्नैपचैट के लिए प्ले स्टोर पर नहीं जाना है, आपको गूगल पर जाना है। आप गूगल की मदद से स्नैपचैट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स।